जीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम हेलोवीन क्राफ्ट में लैंटर्न बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हेलोवीन का साइन होगा। तो इस तरह से हम करते हैं। ये पेपर लिया मैंने ऑरेंज कलर का, और इस तरह से मैं इसको मोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं, मोड़ दूंगी और आधा आधा इंची पर मैंने ये निशान लगा के रखे हैं इसमें। और ये मैंने स्टिक काटी है, और ये आईज है और नोज है। तो मैंने ये आधे आधे इंची पर काट कर रखे हैं निशान लगाकर। अब हम इसके ऊपर करना शुरू करेंगे। इसको हमने यहाँ तक काटना है, इस तरह से सारी पट्टियां यहाँ तक काटनी है, इस तरह से। आप आराम से कर लीजिएगा, मैंने थोड़े निशान लगा के रखे हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। ये जो लाइनें हैं, ये आप आधा इंची ले लें, एक इंची ले लें, जितनी आप लेना चाहते हैं उतनी दूरी की ले सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आधा इंची की ली है। आप थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं या थोड़ी कम भी कर सकते हैं, टाइम हो तो। और छोटी भी बना सकते हैं, छोटी भी अच्छी लगती है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, और थोड़ा करके। तो आप आराम से तसल्ली से करिएगा, अच्छा बनेगा बहुत। लैंटर्न तो वैसे दिवाली में भी बनाए जाते हैं, सब जगह। लैंटर्न तो एक खुशी का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, आशा और विश्वास का प्रतीक होता है। तो वो हर त्योहार में ज्यादातर यूज किया जाता है। ये मैंने इस तरह से सारे काट लिए, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। अब मैं इसको खोल दूंगी, और खोलने के बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी, इसके किनारे पर मैं ग्लू लगाऊंगी इस तरह से, और ये वाला इसके इसके ऊपर लगाती जाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे हम, बीच में धीरे धीरे ग्लू लगाकर सारा पक्का कर देंगे इस तरह से। ग्लू लगाते हुए मैंने पूरा यहाँ तक ग्लू लगा दी, और इसको मैंने पूरा बंद कर दिया। तो ये हमारा इस तरह की शेप में आ जाएगा। देखिए, ये लैंटर्न बन गया हमारा। आप चाहे तो इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं दबाकर। तो उसके बाद हम इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। इसमें मैंने काली पट्टी लगाकर रख दी है, हेलोवीन की पट्टी। अंदर की तरफ मैंने ग्लू लगाना है, और इस पट्टी को मैंने इस तरह से लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी लगाकर इसको मोड़ते हुए फिर अंदर की तरफ ही लगाना है। अंदर की तरफ यहाँ हम ग्लू लगाएंगे इसके सामने, और यहाँ पर इसको लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लैंटर्न बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें पहली मैंने काली पट्टी लगा दी है, हेलोवीन की पट्टी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आंखें लगाएंगे। आप इसको सेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, इस तरह से दबा के, इसके सारे पॉइंट दबाकर आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। शेप देख सकते हैं सुंदर, इस तरह से इसको दबा के शेप सकते हैं, देव से शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी आईज और नोज फिट करूंगी। ये मैंने इसकी काट कर रखी हुई है। बीच में मैं यहाँ पर नोज लगा दूंगी, वो भी काली मैंने ली हुई है इस तरह से। देखिए, इस तरह से ये हमारी बन गई। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लैंटर्न बना है। तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको पतला मोटा कर सकते हैं, और छोटा बड़ा काट सकते हैं, छोटी छोटी लाइंस काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बनाइएगा। गुड लक, गुड लक।